आज की इस प्रेस वार्ता का अभी स्टार्ट कहाँ हुआ है? उद्देश्य आप सब जानते हैं कि हमारे नेता, हमारे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का जन्म दिवस 5 जुलाई को होता है और ये 5 जुलाई का दिन हमेशा परिवार के लिए हमेशा से एक खुशी का दिन रहा है। मैंने खुद अपने जीवन में लगभग 40 साल उनके साथ खुशी पूर्वक इस दिन को मनाया, घर में खुशियां बांटी गईं, साथ में केक काटा, एक दूसरे को खिलाया, पर इन 40 सालों में कभी भी ये कल्पना नहीं की थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मेरे नेता की मौजूदगी, मेरे पिता की मौजूदगी उनके जन्म दिवस पर ही नहीं होगी। यकीनन पिछले ये 2 साल उनके बिना उनका जन्मदिन मनाना कठिन रहा है, भावुक रहा है, परिवार के लिए पीड़ादायक रहा है, पर फिर भी जयंती दिवस है उनका और उनके इस जयंती दिवस ने मुझे हमेशा ताकत ही दी है। इन 2 सालों का जो मेरा अनुभव रहा है, पिछले साल उनके जन्म दिवस से कुछ समय पहले जून का माह था जब मेरे परिवार में, मेरी पार्टी में एक टूट हुई। परिवार और पार्टी दोनों कठिन परिस्थितियों से गुजरे और उसके बाद 5 जुलाई ही वो तारीख थी, मेरे नेता का जन्मदिन वही वो तारीख थी जब हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की, हम लोगों ने शुरुआत की थी। और पिछली 5 जुलाई 2021 को पटना एयरपोर्ट से लेकर हाजीपुर तक हम लोगों ने पहली आशीर्वाद यात्रा हम लोगों ने निकाली थी और उस दिन जिस तरीके का एक जन समर्थन, जन सैलाब देखने को मिला, अब या तो कहीं ना कहीं से मेरे नेता, मेरे पिता मुझे आशीर्वाद दे रहे थे जिसकी वजह से इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी जिस तरीके से जनता का समर्थन मिला, याद है मुझे पिछली 5 जुलाई का वो दिन, धूप भी थी, गर्मी भी थी और आशीर्वाद यात्रा आगे बढ़ती रही, जैसे जैसे बादल भी आने लगे, आंधी भी चली, बरसात भी हुई जमकर, पर उस आशीर्वाद यात्रा पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। जनता का प्यार, जन सैलाब उसी तरीके से रहा और यही शुरुआत हुई आशीर्वाद यात्रा की जो बिहार के हर एक जिले से होती हुई गई और हर जिले में उतना और लगभग उससे ज़्यादा हर बीतते समय के साथ जनता का प्यार, जनता का समर्थन बढ़ता गया। तो ये पिछले साल हमारे नेता के जन्म दिवस पर हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी। इस साल हम लोगों ने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव